नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इनका शुभ रंग है भूरा, स्लेटी और काला। दिन है शनिवार। आपके स्वामी हैं शनिदेव और विवाह के लिए सबसे उत्तम कर्क राशि वाले। आपका भाग्यांक है 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22 और 26। और आपका गुण होता है आप बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, अच्छे प्रबंधक होते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। सबसे गंभीर अगर कोई राशि है तो वो मकर राशि है। बहुत व्यवहारिक और स्वतंत्र होते हैं। साथ ही चाहे इनका व्यक्तिगत मामला हो, व्यापारिक मामला हो, दोनों ही जगह अपने बलबूते ये सब कुछ संभाल लेते हैं। क्योंकि एक पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि, तो इनके जीवन में परिवार ऐसा नहीं है कि और भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन सबसे अधिक कोई इनके लिए महत्वपूर्ण है तो वो परिवार है। और अच्छे व्यापारी भी होते हैं, एक महान नेता भी होते हैं। और मकर राशि का स्वामी चूंकि शनि ग्रह है तो सभी प्रकार के प्रतिबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी शनि यहाँ मकर राशि में जन्मे लोगों को व्यवहारिक भी बनाता है, जिम्मेदार भी बनाता है और न्यायप्रिय भी बनाता है। भविष्य के लिए पैसा जोड़ना भी सिखाता है। और मकर राशि वाले चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास संभावनाएं बहुत होती है, बस एक सही मार्ग दिखाने वाला आपका मिल जाए तो आप जीवन में बहुत पैसे कमाते हैं और बचाते भी हैं। वैसे तो कभी कभी मकर राशि वाले लोग थोड़े से जिद्दी भी हो जाते हैं, लेकिन एक चीज है कि आप अपने अनुभव, अपनी काबिलियत के बल पर बहुत ऊंचाई तक जाते भी हैं। समस्या तो तब होती है जब आपके अपने, आपके करीबी आपको किसी बात के लिए मजबूर कर दें। वैसे आपको झगड़े, लड़ाइयाँ, विवाद या फिर कोई नुक्स निकालना पसंद नहीं होता। आपको लोगों को नियंत्रित करना अच्छा लगता है, यानी हैंडल करना। एक चीज़ है कि आप दूसरों को माफ़ जल्दी नहीं कर पाते हैं अगर कोई आपको हर्ट करता है तो। बस यही एक चीज़ है जहाँ आप धोखा खा जाते हैं। वैसे आप होते हैं बहुत बुद्धिमान, थोड़े से मजाकिया भी होते हैं और आपके तरह मित्र मिलना बहुत खुशनसीबी की बात होती है। बहुत ईमानदार, बहुत वफादार होते हैं आप। जब परिवार या अपनों की बात आती है तब यहाँ पर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनों के लिए जीना आता है। सबके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, आनंद भरा समय बिताना आपको अच्छा लगता है। वैसे आपकी भावनाएं तो बहुत सारी घुमरती रहती है, लेकिन अगर वो एक बार में निकल जाए तब विस्फोट हो जाता है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। वैसे तो मकर राशि वालों की करियर की बात करें तो वफादार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और मकर वाले एक बेहतरीन एकाग्रता जो होती है इसके कारण ये सफल भी होते हैं हर क्षेत्र में। साथ ही बहुत साधन संपन्न, पैसे की प्रबंधन जो है उन इनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, मेहनती होते हैं। मकर वाले आम तौर पर लंबे और थोड़े पतले होते हैं और एक बारगी आप देखकर ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतने बड़े समूह के या संगठन के संचालक भी हो सकते हैं। यानी ये नेतृत्व करने का गुण इनमें अद्भुत होता है। और अगर हम कहें तो जब ये टीनेज के होते हैं तो बहुत तेज़ी से लंबाई इनकी बढ़ती है, विकास करते हैं, अचानक से बड़े हो जाते हैं, युवा दिखने लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, इनमें सहनशीलता अद्भुत होती है, धैर्य होता है, स्थिर प्रकृति के होते हैं और इन्हें लोगों का उपहास से हमेशा भय रहता है। हालांकि लोग इन्हें अंतर्मुखी समझते हैं पर ऐसा होता नहीं है। मकर वाले एक बात है व्यवहारिक होते हैं और अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है और अपने विषय में माहिर होते हैं। यानी अगर ये ज्योतिष हैं तो बहुत अच्छे ज्योतिष होंगे। अगर मकर वाले कुक के क्षेत्र में हैं, कुकिंग के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के महारथी होंगे। लेकिन एक कमजोरी ये है
कि इनको कभी कभी अपनी योग्यता का घमंड भी हो जाता है। हमने कहा कभी कभी, तो ये चीज़ें आपको कम करना चाहिए और सलाह लेकर एक पन्ना जरूर धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, बुद्धि आपकी, जो आप इतने बुद्धिमान हैं तो आप सही रास्ते पे चलिएगा, भटकाव नहीं होगा। और हालांकि मकर वालों का आयु लंबा होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर हम आपके व्यवसाय की बात करें, क्योंकि बिना व्यवसाय की बात किए तो आपके बारे में बताना ही कम पड़ जाएगा या फिर अधूरा रहेगा। वैसे आपको खूब सारा धन कमाना होता है, साथ ही अपने जो आपके रूखे स्वभाव है, यानी कि एक सीधी लाइन में बात करते हैं, पैरेलल लाइन में, उसमें एक मीठापन आपको लाना होगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नई नई योजनाएं तो आप बनाते हैं पर सब कल्पना में रह जाती है। इन समस्याओं से आपको निजात पाना ही होगा, यानी कभी कभी आप काल्पनिक हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है आपको, तो एक स्टील या जस्ते का छल्ला शनिवार के शाम के समय अपने बाएं हाथ में मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली में धारण कर लें और आप सोना धारण करने से बचिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आपका व्यवसाय शनि, बुध और शुक्र से काफ़ी हद तक देखा जाता है, यानी शनि कैसा है, बुध कैसा है, शुक्र कैसा है, आपका व्यवसाय, आपका करियर, ये सभी डिसाइड करता है। और आपका अगर आप व्यापार करते हैं, आपके लिए सबसे शुभ रहेगा लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और फैक्ट्री इंडस्ट्री आदि का व्यवसाय करना, बहुत उत्तम। अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यापार के स्थान पर, अपने कारोबार के स्थान पर भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए और रोज़ उनको सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। वैसे तो आपकी जो मकर राशि है, यहाँ पर मंगल सुख और संपत्ति देता है। जीवन में सुख कितना होगा, संपत्ति कितनी रहेगी, ये बात मंगल ही बताता है। और रेगुलर पैसा आएगा कि नहीं, ये भी मंगल बताता है। तो अगर आप चाहते हैं कि धन आता रहे, धन नहीं आ पा रहा है, तब नियमित रूप से धन आने के लिए, जैसे धन आए भी और बचे भी, ये भी मंगल ही हालांकि बताता है। तो आपको धन के लिए नियमित रूप से मंगलवार के दिन मीठी चीज़ का दान करना चाहिए, ताकि सुख संपत्ति बनी रहे और नियमित रूप से धन आता रहे। और मंगलवार के दिन आप खुद मीठी चीज़ों का दान कीजिएगा, आप खुद मत खाइएगा इस दिन। तो दोस्तों, हमने आपसे छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें शेयर की, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।